पता चलेगा तब पोजीशन में आए सही एक दफा फिर पता चलेगा। वाल सर देखिए, इन्होंने जहांगीर तरीन का नाम लिया, अलीम खान का नाम लिया, आसफ अली जरदारी भी बाहर घूम रहे हैं, हाजा आसफ शाहिद खान नाम लेते जाए, आसफ अली जरदारी को आप जेल में सारे हैं, और चलो एक बंदा आपका जेल में आपकी वजह से उनके मसाइल कोई और ही होंगे ना, इसलिए जेल में किन को आसफ अली जरदारी को अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान को हमने एन आर ओ दिया तो ये लोग जो बाहर है फिर ये भी एन आर ओ ये बात जो बंदा बाहर है वो आपकी वजह से बाहर खुर्शीद शाह साहब कौन है हमारा बताए ना, खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा आज भी जेल में, उस बेचारे को रगड़ा लग रहा है, बाकी सारी पूछ रहे हैं हो सकता है इनसे ज्यादा मालूम जब खबर आ गई कि जहांगीर तरीन साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई तो फौरन उन्होंने नारो दे दिया। नंबर एक बात सुन लो, अगले मुलाकात हुई थी ये मुझे नहीं पता, मुझे खबर आई थी। अच्छा दूसरी बात सिर्फ ये नहीं है, स्पीकर जो है समरी में भी नहीं बोलते हैं यार, ये बोलना जब आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी प्रधान से मुलाकात होती है तो फौरन वजीर बनाए जाते हैं, तो एनआरओ कमाल है वैसे इनका इनका कमाल है सर, कमाल एनआरओ नहीं है तो सीबीआई को एक स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए इन कामों के ऊपर। जबकि खान साहब मुख्तसर खिलाफ थे, मोने से लायो को किसको नहीं बनाऊंगा, देखो जब जरदारी साहब की एक जरदारी साहब पर बारी ये तो मानेंगे ना आप। वैसे वो कहते थे कि जरदारी साहब की मुलाकात परवेज लाई से नाकाम हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, ये देखे ना रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग हुई है, ये बात मंदोखेल साहब ने सही कही। लेकिन एक और साथ कहते हैं जरदारी साहब की जंगी टीम से मुलाकात, जरदारी साहब की परवेज लाई से मुलाकात, मोनस लाई यही कबीना के अंदर, काश यही मंदोखेल साहब कह देते कि हम कौम से माफी मांगते हैं कि हमने काफ लीग को कातल लीग का और उसी कातल लीग जो हमारी लीग है बेनजीर भुट्टो शहीद की कातल लीग को हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया उसी प्रवेज लाइन को अपनी हुकूमत में आ गई, और भाई आप ज्यादा इंक्वायरी कर लिए अकवाम मुत्तहदा ना करिए, बस पार्टी के वक्त आपने जो उसको चपरासी का उसको वजीर दाखला बनाया शेख रशीद को, चपरासी कहते थे ना शेख रशीद को, इसको मैं चपरासी में रखूं, उसको सबसे बड़ा आगे रखा है, फैसलवाड़ा के लिए काबीना के इजलास मुलतवी करके वहां पहुंच गए।